स्त्री 2 ने रच डाला इतिहास। फिल्म पठान और जवान का तोड़ा रिकॉर्ड। इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा में सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस पर कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। क्या अपनी शादी से नाखुश है सिद्धार्थ? अदिति राव हैदरी और सिद्धार्थ हाल ही में शादी के बंधन में बंधे। दोनों की शादी के 2 दिन बाद ही पति सिद्धार्थ का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने मजाक में कहा, अदिति के लिए सूरज की पहली किरण के साथ उठना बेहद जरूरी है। वो मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर मुझे भी उठाती है। मैं हड़बड़ाकर सुबह रोते हुए उठता हूँ और उसी से मेरे दिन की शुरुआत होती है, जैसे किसी बच्चे से उसकी कैंडी छीन ली हो, और उसे देख एंजॉय करती है अदिति। ऐश्वर्या राय का एक पुराना वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो खुलासा करती नजर आ रही हैं कि आखिर क्यों वो हर जगह अपने साथ अपनी बेटी को ले जाती हैं। वो कहती हैं कि उनकी बेटी उनकी प्रायोरिटी है और वो हमेशा आराध्या को एक पॉजिटिव माइंडसेट में रखना चाहती हैं। ना शाहरुख ना ही रणबीर कपूर, फिल्म धूम 4 के विलन का हुआ खुलासा। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म धूम 4 में विलन के किरदार में नजर आएंगे साउथ के सुपरस्टार सूर्या। क्या शादी के लिए तैयार हैं कंगना रनौत? जब मीडिया द्वारा कंगना से वेडिंग प्लान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इशारों में खुलासा किया। उन्होंने कहा, सांसदी के इसी कार्यकाल में कर लूंगी शादी, आगे कोई फायदा नहीं। दिल लुमिनाटी टूर के लिए दिलजीत को मिला लीगल नोटिस। दिलजीत दोसांझ को फैन ने भेजा लीगल नोटिस। टिकट में धोखाधड़ी से निराश होकर फैन ने उठाया बड़ा कदम। करीना कपूर ने फिल्म इंडस्ट्री में पूरे किए 25 साल। उनके इस सम्मान के लिए एक फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। करीना ने इसकी अनाउंसमेंट के साथ एक वीडियो भी शेयर किया है। नवाजुद्दीन ने दीपिका पादुकोण को लेकर किया बड़ा खुलासा, जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो गया। उन्होंने कहा, मैंने अभी तक दीपिका पादुकोण की एक भी फिल्म नहीं देखी है। सिनेमा घरों में वापस लौटी शाहरुख खान की फिल्म वीर ज़ारा। री रिलीज के बाद करीब 100 करोड़ को पार करने वाली है ये रोमांटिक फिल्म। कभी श्रीदेवी के साथ आमिर खान ने काम करने के लिए कहा था मना, आज दोनों के बच्चे एक साथ दिखेंगे स्क्रीन पर। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ही दिनों में आमिर खान के बेटे जुनैद और श्रीदेवी की बेटी खुशी बड़े पर्दे पर एक साथ नजर आने वाले हैं।